पेटीएम मनी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया अपडेट लेकर। ये अपडेट पेटीएम मनी से जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम मनी में किस किस तरह के नए अपडेट आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट की जानकारी लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पेटीएम मनी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पेटीएम मनी के माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और पेटीएम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता है। ये ऐसे अपडेट होते हैं जिसकी जानकारी हमको नहीं होती, लेकिन ये अपडेट हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं। तो अब पेटीएम मनी में कुछ ऐसे अपडेट आए जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो पूरे अपडेट दिखाने के लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको पेटीएम मनी के वो अपडेट दिखाता हूँ। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये देखिए, हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं यहाँ से पेटीएम मनी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। मैं आपको जो अपडेट दिखा रहा हूँ वो पेटीएम मनी के लेटेस्ट अपडेट में है, जो कि मैंने आज ही अपडेट किया है। तो आप सबसे पहले अपनी पेटीएम मनी एप्लीकेशन को अपडेट करें। जब आप पेटीएम मनी एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो आपको ऊपर की साइड कुछ इस तरह का मैसेज भी दिखाई देता है एप्लीकेशन को अपडेट करने का। आप चाहें तो इस मैसेज को पढ़ भी सकते हैं, वरना प्ले स्टोर पर जाके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपको अपडेट कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ मैंने प्ले स्टोर ओपन किया है। अब मैं यहाँ पेटीएम मनी लिखता हूँ। पेटीएम मनी लिखने के बाद ये अभी मुझे ओपन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाएगा। तो नॉर्मली आप यहाँ अपडेट पर क्लिक करके इसे अपडेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, पेटीएम मनी एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब हम इसके अपडेट की बात कर लेते हैं। अपडेट के लिए यहाँ पहले मैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ। पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आपको पता ही है कि आपके फंड्स यहाँ शो करता है, जो भी आपके फंड्स होते हैं। ये देखिए, यहाँ मेरे सामने मेरे फंड्स खुल चुके हैं। अगर आपको अपने फंड्स की डिटेल चेक करने की, आपने जो इसमें अमाउंट लगा रखी है उसमें आपको कितनी यूनिट्स मिले हैं, कितने रुपये में कितने यूनिट्स मिले हैं और आपके कितने यूनिट्स जमा हो गए, इस सारे की सारी डिटेल आपको यहाँ बहुत ही आराम से मिल जाती है। जब आप यहाँ नीचे आएंगे इन्वेस्टमेंट और पेटीएम मनी, आपको यहाँ देखिए ऑप्शन दिखाई देगा म्यूचुअल फंड का। तो आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए आपके फंड ओपन हो जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने फिलहाल दो फंड में पैसा लगा रखा है, SBI स्मॉल कैप फंड और रिलायंस स्मॉल कैप फंड में। तो मैं यहाँ से आपको रिलायंस वाले फंड को ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे रिलायंस वाले फंड पर ओपन करता हूँ, ये देखिए पूरा पूरा चार्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है। अभी आपको यहाँ देखिए कोने में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है SIP प्लस का, इसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम इस फंड की डिटेल चेक कर लेते हैं। हमें इस फंड की डिटेल चेक करने की, इस फंड में हमें कितनी यूनिट्स हमारी जमा हो गई है। जब आप देखिए यहाँ नीचे आएंगे, जब आप नीचे आएंगे तो जिस डेट में आपकी पैसे कटे होंगे उस रेट पे आपको कितनी यूनिट्स मिली है, ये देखिए पूरी की पूरी यूनिट्स यहाँ शो कर रहा है। इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए जब आप ऊपर आते हैं तो देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है व्यू मोर का, आप सीधा यहाँ क्लिक करिए। व्यू मोर पे क्लिक करते देखिए यहाँ आपको फोलियो नंबर भी दिखा रहा है, आपकी टोटल यूनिट्स दिखा रहा है कि आपकी टोटल यूनिट्स इतनी हो गई है और जो उसका नेव है वो इतनी है। साथ ही देखिए इसमें एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है एग्जिट लॉट और टैक्स यूनिट का। तो सपोज करिए आपको कोई फंड्स इसमें से बेचना है, आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं और आप पता करना चाहते हैं भाई इसमें मेरा कितना टैक्स लगेगा, तो ये फीचर्स इन्होंने यही अनेबल कर दिया है। जब आप एग्जिट लॉट पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा व्यू पे क्लिक करिए। देखिए व्यू पे क्लिक करते ही इसने मुझे दिखा दिया कि जो मेरी फीस लगने वाली है वो कितनी फीस लगने वाली है अगर मैं 365 दिन यानी एक साल से पहले पहले इसे एग्जिट करता हूँ। अब हम इसके टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स वाले ऑप्शन जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आप सीधा यहाँ व्यू टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा मेरा टैक्स वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। और जो अभी मेरी इसमें अमाउंट बन रही है 745 रुपये, अगर मैं इसे एग्जिट होता हूँ एक साल से पहले पहले तो मेरा इसमें जो 15% का टैक्स लगने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना तगड़े वाला टैक्स इसमें लगने वाला है, इतना तो मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा जितना इसमें टैक्स लगने वाला है। लेकिन अगर मैं एक साल के बाद इससे एग्जिट करता हूँ तो मेरा केवल 10% यहाँ टैक्स लगेगा। तो ये फीचर्स इन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा है, यही हमको पता चल जाता है कि हमारा कितना टैक्स लगने वाला है, हमारे कितने परसेंटेज कंपनी काटने वाली है, यानी जो हमारा एग्जिट लोड होता है वो कंपनी के द्वारा काटा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स इन्होंने हमें दे दिया है। इस फीचर्स के जरिए आप अपने यूनिट्स पता कर सकते हो,
कि टोटल यूनिट्स कितनी है और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारी की सारी डिटेल आपको यहीं मिलती है। अब देखिए यहीं इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है SIP प्लस का। ये SIP प्लस क्या है, तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। SIP प्लस पे क्लिक करते ही देखिए इन्होंने टॉपअप SIP का ऑप्शन दे रखा है। यानी सपोज करिए आपने किसी फंड में पैसा लगा रखा है और आप उस फंड को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उसे टॉपअप करना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप यहाँ से 500 सेलेक्ट करिए तो ये ऑटोमेटिकली देखिए 700 हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं 1000 सेलेक्ट करता हूँ तो 1700 हो गया। तो यहाँ अपने हिसाब से आप अपनी पसंद का टॉपअप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे सीधा सेव पे क्लिक कर दीजिए उतनी अमाउंट कि SIP आपके अकाउंट से हर महीने कटती रहेगी। तो ये भी अच्छा विकल्प उन्होंने देती है, वरना पहले एग्जिट भी जाके हमको वहाँ मैनुअल करना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने एक टॉपअप का ऑप्शन देती है। आप इसके माध्यम से अपनी पसंद का प्राइस यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके तीसरे अपडेट को देख लेते हैं। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, मैं बिल्कुल बैक आ रहा हूँ, मैं आपको सीधा होम पे लेके जा रहा हूँ। होम पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोर्टफोलियो का, आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करके देखिए आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। ये एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से मान लिया सपोज करिए आपने कहीं और फंड में निवेश कर रखा है, किसी और प्लेटफॉर्म में फंड में निवेश कर रखा है, तो आप उस प्लेटफॉर्म के सारे फंड्स यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने SIP ICICI बैंक के थ्रू भी कर रखी होती है, या कोडेक बैंक के थ्रू भी कर रखी होती है, या फिर SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी SIP कर रखी होती है। तो जगह जगह जो आपने SIP कर रखी है उन सब SIP को आप यहाँ एक ही जगह इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के लिए नॉर्मली आपको यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके देखिए यहाँ इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है कि आपको किस तरह इसमें अपने पोर्टफोलियो को इंपोर्ट करना है। तो फिलहाल इसका एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को किस तरह यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रखा है। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप एक अलग से वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। तो फिलहाल ये तीन फीचर इसके अंदर आए हैं, इन तीनों फीचर्स का यूज आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। सबसे अच्छा अपडेट जो मुझे लगा उसके फंड्स का लगा कि फंड्स में आपको सारी की सारी यूनिट्स दिख जाती है, सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस दिख जाता है, और साथ ही आपको टैक्स भी दिखाई देता है कि आपका कितना टैक्स इसके अंदर लगने वाला है अगर आप एक साल से पहले पहले एग्जिट करते हो। उसके बाद इसमें जो सबसे बढ़िया फीचर्स लगा पोर्टफोलियो का लगा, जिसमें आप अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को इम्पोर्ट कर सकते हैं और अपने सभी SIP फंड्स को एक ही जगह देख सकते हैं। तो ये पेटीएम मनी के वो लेटेस्ट अपडेट थे जो अभी हाल ही में पेटीएम मनी एप्लीकेशन के अंदर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है पेटीएम मनी के ये अपडेट की जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अपडेट की जानकारी लाता रहूंगा। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और इंतजार करिए मेरे आने वाली वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।